कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन चल रहा है। इसकी वजह से गरीब लोगों को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात जो बहुत ही बेनिफिशियल हुई है, पूरी दुनिया का पोल्यूशन लॉकडाउन के बाद मानो जैसे थम सा गया हो। इंडिया में पोल्यूशन की वजह से क्या हाल हो रखा है ये तो हम सभी को पता है। तो आज की इस वीडियो में हम पोल्यूशन रेट और ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। पूरी दुनिया में 30 सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में 22 सिटीज हमारी इंडिया में आती है। मतलब वर्ल्ड की 73% पॉल्यूटेड सिटीज इंडिया में है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के दिन लगभग सारे लोग अपने घरों के अंदर थे और उस दिन को अब तक का सबसे पॉल्यूटेड फ्री दिन बताया गया है। एनवायरमेंटलिस्ट ने इस पूरे सिनेरियो को एक वेकअप कॉल बताते हुए कहा है कि अब आगे से हमें पॉल्यूशन का बहुत ही सीरियसली लेना होगा। जैसे बाइक्स की जगह अगर हम साइकिल्स पर ज्यादा फोकस करें तो बेटर होगा। चाइना और जापान जैसे देशों में भी लोग साइकिल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। दिल्ली और कई सारी सिटीज में भी कारपूल को बढ़ावा दिया गया है। कारपूल मतलब अगर दो लोगों को एक ही जगह जाना है तो वो अलग अलग गाड़ियों में ना जाकर एक ही साथ चले जाए तो ज्यादा बेटर होगा। इसको एक और नाम भी दिया गया है, इवन और ऑड। जैसे एक दिन इवन नंबर्स की गाड़ियां चलेंगी, अगले दिन ऑड नंबर्स की। इस टेक्निक से भी पॉल्यूशन रेट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड पॉल्यूशन जो लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, उसका लेवल भी कुछ इस तरीके से गिरा है। पुणे में एनओ का लेवल 43% गिरा है। वहीं मुंबई की सड़कों में ये 38% तक गिरा है और अहमदाबाद में ये 50% तक गिरा है। तो आप लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि सिर्फ कुछ हफ्तों के लॉकडाउन में कितना फर्क आ गया? AQI मतलब एयर क्वालिटी इंटरवल्स की बात की जाए तो हम इसको एक नंबर्स के इंटरवल में समझते हैं। तो आइए एक टेबल के माध्यम से जानते हैं कि ये क्या होता है। अगर पॉल्यूशन रेट 0 से 50 है तो ये काफी अच्छी एयर क्वालिटी बताई जाती है। अगर 51 से 100 है तो भी बढ़िया है। 101 से 200 है मतलब नॉर्मल है। 201 से 300 है तो एक बैड एयर क्वालिटी बताई जाती है। 301 से 400 के वक्त बहुत ही बुरे हालात हो जाते हैं। लेकिन अगर एयर क्वालिटी 401 से 500 के बीच में हो तो इसको क्लाइमेट अलर्ट जारी कर दिया जाता है। मतलब उस वक्त सिचुएशंस बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है, सीवियर हो सकती है। एक बार क्लाइमेट अलर्ट कुछ टाइम पहले इंडोनेशिया में भी आया था और उसके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली अपनी एक वीडियो बना रखी है, रेड स्काई एट इंडोनेशिया वाली, जिसमें आसमान पूरा लाल हो गया था। वो मेरी आपको एटमॉस्फेयर वाली प्लेलिस्ट में जाके मिलेगी। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि एक बार उस वीडियो को जाके भी देखना, क्योंकि उस दिन जो पॉल्यूशन रेट था वो 401 से 500 के बीच में आ गया था। इंडिया की 4 सबसे बेस्ट एयर क्वालिटी वाली सिटीज में से 2 केरला में है। पहली एलोर विद AQI 25 मतलब एयर क्वालिटी इंटरवल। दूसरी तिरुवनंतपुरम विद AQI 49। तीसरी थेन जो मुंबई के पास है विद AQI 45। लास्ट है कोटा जो राजस्थान में है विद एयर क्वालिटी इंटरवल 50। और वहीं अगर हम 4 सबसे बैड AQI या फिर पॉल्यूटेड सिटीज की बात की जाए तो उसमें सबसे पहली आती है कानपुर विद AQI 172। ये एयर क्वालिटी इंटरवल कानपुर का सिर्फ नॉर्मल ही रहता है और अब तक का सबसे बैड AQI कानपुर का 380 तक भी पहुंचा है। ये पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। सेकंड आती है फरीदाबाद विद AQI 152। ये एयर क्वालिटी इंटरवल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, एवरेज बता रहा हूँ इन सिटीज के। तीसरी आती है गया विद AQI 130 और लास्ट जो आती है वो है वाराणसी विद एयर क्वालिटी इंटरवल 120। तो आपने देखा कि हमारे इंडिया में पॉल्यूशन रेट कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरी 30 सिटीज में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाली में 22 सिटीज हमारी इंडिया के अंदर आती है
मतलब 73% पार्ट हमारे इंडिया के अंदर आता है पॉल्यूटेड सिटीज का। तो यार कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हो ही रहा है ना। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इन चिमनीज से हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा धुआं निकलता है कि यार अगर हम उसको कंट्रोल करने भी निकले ना तो भी नहीं कर सकते है। और मैक्सिमम इन्हीं की वजह से हमारा जो देश है वो पॉल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ इन इंडिया के बारे में जाना, और फिर हमने आपको थोड़ी सी अच्छी सिटीज़ जो है जिनमें पॉल्यूशन बहुत ही कम है और जो इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड फ्री सिटीज़ है उनके बारे में भी बताया, और साथ ही मैंने आपको AQI मतलब एयर क्वालिटी इंटरवल्स के बारे में भी कुछ नॉलेज दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई नॉलेज कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी। तो दोस्तों मेरी वीडियोज़ में इतना ही था बस। अगर आपको मेरी ये एटमोसफेयर की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बस इतना ही था वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।